को पुकारेंगे। मेरे पीछे प्लीज दोहराइए, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा, जय नरसिम्हा, भक्तराज प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज के नरसिंह चतुर्दशी उत्सव में आप सब आए और आपने भाग लिया, अभिषेक किया और आपकी उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए मैं आप सभी का ऋणी हूँ। अभी आज के कार्यक्रम में समय की सीमा देखते हुए मैं मेरे शब्दों को बहुत विराम दे रहा हूँ और आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे जो प्रह्लाद महाराज जैसे छोटे छोटे सब भक्तगण हैं, वो उनकी आज कलाएं बताएंगे, उनकी प्रस्तुतियां हमारे सामने आज सादर करेंगे। तो आप सभी उसके तरफ ध्यान दीजिए, उनको आप आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो भक्त महाराज, भक्त प्रह्लाद महाराज जैसी उनकी भक्ति आगे बढ़े। ये हमारे सब भक्तगणों की प्रेरणा से ही हो सकता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आद्या सिंह को, जो हमें आज उग्रम वीरम महामंत्र सुनाएंगे और उनका अर्थ बताएंगे। हरे कृष्णा। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। आई बाउ डाउन टू द लॉर्ड नरसिम्हा हु इज हाईली फेरोसियस एंड ब्रेव एंड द इमेजिनेशन ऑफ लॉर्ड महाविष्णु। ही इज फुल ऑफ एफल्जेंस टेरिफिक एंड द एफल्जेंस टेरिफिक and auspicious and the death of death. आद्या माता जी के लिए सब लोग तीन बार हरि बोल कहेंगे। बहुत सुंदर उन्होंने कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू माता जी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा अथर्व वर्मा प्रभु जी को, वो आइए और आप जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा मंत्र बोलिए और उसका अर्थ भी बताइएगा। हरे कृष्णा। माय नेम इज अथर्व वर्मा। आई एम गोइंग टू से द सॉन्ग जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा। जय जय नरसिम्हा। जय नरसिम्हा। प्रह्लादोषो प्रह्लादेशो जय पद्मा। जय पद्मा। मुख पद्म भृंगा। मुख पद्म भृंगा। अर्थ गैग्रीज टू लॉर्ड लॉर्ड नरसिम्हा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रयास था। अतल प्रभु अतल प्रभु। सब लोग अतल प्रभु के लिए तीन बार हरि बोल कहेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम सब जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है विठ्ठल रुक्माई भगवान। और विठ्ठल रुक्माई भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो नरसिंह चतुर्दशी के दो दिन पहले ही रुक्मिणी द्वादशी होती है। आज हमारे सामने आर्या माता जी, आर्या पाधे माता जी रुक्मिणी द्वादशी के लिए रुक्मिणी माता के ऊपर एक नृत्य सादर करके भगवान को उनका नृत्य अर्पण करना चाहती है। तो हम सब उनको प्रोत्साहन देंगे और हम प्रे करेंगे कि उनका नृत्य भगवान की चरणों में समर्पित हो। अरे अरे प्रस्तुति होने जा रहा है।
कृष्णा। देखिए भक्ति का रंग कैसे चढ़ता है कि हमें रोंगटे खड़े हो गए जब माता जी उनकी प्रस्तुति भगवान के लिए समर्पित कर रही थी। तो हम माता जी के बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नृत्य कला भगवान को समर्पित की है, उनके लिए हम तीन बार हरि बोल बोल के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो विठ्ठल रुक्माई भगवान की जय। भगवान का भोग आ रहा है तो अभी रुकना पड़ेगा। कोई कह पाएगा, कोई बता पाएगा हमें कि हम क्यों मनाते हैं नरसिंह चतुर्दशी? हम सब आ गए, हमने अभिषेक किया, भगवान को वंदन किया, हम अभी उनकी स्टोरी सुन रहे हैं, कोई लीलाएं सुन रहे हैं। अगर आप कोई बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। हम हमारे बहुत अच्छे प्रिय भक्त को बुलाएंगे जो हमें आज बताएंगे कि हम नरसिंह चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। तो मैं विनती करूंगा सृजन प्रभु को, प्लीज आइए और हमें सबको बताइए हम नरसिंह चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। हरे कृष्णा, आज मैं आप सबको नरसिंह जी इस प्रहलाद को कैसे बचाने आए आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशव द्रीता नर हरे रूपा, यानी भगवान श्री कृष्ण इस सारे अवतारों के स्रोत है, उसी तरह वो सारी शक्तियों का भी स्रोत है। प्रहलाद जो उनके बहुत प्रिय भक्त है वो सिर्फ 5 साल के एक बालक है। नरसिंह याने जिनका आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है, उसी तरह नरसिंह देव विघ्न विनाशक है। तो प्रहलाद जो था वो 5 वर्ष का एक बालक था, उसके पिता थे दैत्य राज हिरण्यकशिपु और उनके भाई थे हिरण्यक्ष, जिनको भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री नारायण ने वराह रूप में आकर जिनको वध कर दिया। और इसी का बदला लेने के हेतु से हिरण्यकशिपु था, उसको वो चाहता था कि मैं नारायण का नाश कर दूं, इसीलिए वो ब्रह्मा की बहुत कठोर तपश्चर्या करता है और उन्हें बुलाता है और उनसे यह वर मांगता है कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कोई भी अमर नहीं है, मेरी मृत्यु भी निश्चित ही होगी, तो आप कोई दूसरा वर मांगो। तभी हिरण्यकशिपु कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दो कि मेरा वध ना नर से हो या नारी से हो, ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से हो, ना दिन में हो ना रात में हो। तो ऐसा वर मांगने के बाद हिरण्यकशिपु को लगता है कि मैं अजय हो गया हूँ और वो सर्वत्र अपना राज्य चलाने लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद वो विष्णु का बहुत बड़ा उपासक है, तो वह उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके स्वयं के होने के बावजूद अगर उसका पुत्र किसी दूसरे को पूज रहा है तो ये वो सोचता है कि अपने लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत बार प्रहलाद को बताने की कोशिश करता है कि मैं भगवान से भी श्रेष्ठ हूँ, तुम मेरी पूजा करो, तुम जो विष्णु को करते हो तो वह सब मुझे भोग दो। तब हर बार प्रहलाद कहता है कि नहीं, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बड़े भगवान है, मैं उन्हीं को पूजूंगा। तो हिरण्यकशिपु इससे बहुत उदास होता है और उनको बहुत बार बताता है, फिर भी न मानने के बाद वो उनको जहर देता है, उनको जहरीले सांपों के संपर्क में भी बंद करता है, उनको पर्वत से नीचे फेंक देता है, उनको हाथियों के पैरों तले कुचलाता है। पर ये सब करने के बावजूद जो हमारे प्रहलाद महाराज थे उनको भगवान श्री कृष्ण बचा लेते हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण भगवत गीता में खुद ऐलान करते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, मैं हर बार उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसी प्रकार जो प्रहलाद महाराज थे उनकी हर बार श्री विष्णु पर हर बार विष्णु उनको बचा लेते थे। तो आखिरकार जब एक बार उन दोनों में बातचीत चल रही थी, तब भगवान
श्री विष्णु के बारे में प्रहलाद कहता है कि भगवान श्री विष्णु उस इस सारे सृष्टि के रोम रोम में विराजते है, ऐसी जगह ही नहीं जहाँ वो नहीं है। तो वो हिरण्यकशिपु इतने क्रोध में था कि वो पूछता है, महल के एक खम्भे के और इशारा करते हुए वो पूछता है कि इसमें भी तुम्हारे विष्णु है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ पिताजी, मेरे विष्णु सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होता है और वो क्रोध से उस खम्भे पर प्रहार करने जाता है। तभी से शिव की गर्जना करते हुए विशालकाय रूप में नरसिंहदेव उस खम्भे से बाहर आते हैं और यही दिन हम नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तब वो ना दिन था ना रात था, वो संध्या काल थी। वो ना प्राणी थे ना नर या नारी, वो नरसिंह रूप में आए थे। वो ना शस्त्र से ना अस्त्रों से अपने स्वयं के हाथ के नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट छीर देते हैं और उसे वैकुंठ भेज देते हैं। और प्रहलाद महाराज को भी बचा लेते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति करते हैं और नरसिंह देव शांत हो जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी भक्ति दृढ़ हो और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर हमें बचा लेते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जब भगवान की कृपा होती है तो ये वाणी भी मुख से ही बाहर आती है। तो बहुत उम्दा प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। प्रभु जी के लिए हम तीन बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसी प्रस्तुतियां फिर से और फ्यूचर में आए, यही हम उनसे विनती भी करेंगे। अभी हमने प्रभु जी ने बताया कि भगवान अवतरित होते हैं और प्रहलाद महाराज वहां पे भगवान इतने क्रोधित होते हैं कि उनको शांत करने के लिए सिर्फ प्रहलाद महाराज ही वहां पे कुछ कर सकते हैं। तो अगर प्रहलाद महाराज आएंगे और भगवान को शांत करेंगे तो नरसिंह आरती का उच्चारण होगा। हम अभी विनती करेंगे कुछ प्रभु को कि वो आके नरसिंह आरती प्रस्तुत करें और हमने सबसे विनती करूंगा, हम उसको दोहराएंगे इनके पीछे। इसके बाद हमें उसका अर्थ भी पता चलेगा, उसका अर्थ क्या है। नरसिंहाय, 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 नरसिंहाय,
हमने भक्ति नाम की सुनी, उच्चारण की और भगवान को समर्पित किया। और इसका अर्थ क्या है? हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, पर अर्थ किधर है? जब तक उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम वो चीज नहीं समझ पाए। तो इसीलिए मैं आमंत्रित करूंगा, मैंने पहले ही कहा था आज का उत्सव भगवान की शरणागति में हम प्रहलाद महाराज जैसे सब भक्तों को आगे लाना चाहते हैं। अरे वो इसके सब बच्चे हम उनकी प्रस्तुति देंगे तो भगवान बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाए। अगली प्रस्तुति है योशा माता जी और हमें समझाएंगी कि नरसिंह आरती का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। योशा माता जी प्लीज। Translation of Narasimha Aarti. The first two paragraphs are the prayer to Lord. The first two paragraphs are the prayer to Lord Narasimha by Jayadev Goswami. And the third paragraph is the gift from the Prabhupada sculptor. Here goes the translation. In the first paragraph, I offer my obeisances to Lord Narasimha. I offer my obeisances to Lord Narasimha, who gives joy to Prahlad Maharaj and whose nails are like chisels on the stone-like chest of Demon Hiranyakashipu. The second para, Lord Narasimha is here and also there. Wherever I go, Lord Narasimha is there. He is in the heart and outside. I surrender to Lord Narasimha, an origin of all things and the supreme refuge. The third para, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of half man and half lion, all glories to you. Just as one can easily crush a vase between one's single ears, so the same way, the body like a vase-like demon, Hiranyakashipu, has been ripped apart by the wonderful pointed nails on your beautiful lotus hand. बहुत अच्छे से समझाया और हम ये प्रयास करेंगे कि हम हमेशा हमारे मस्तिष्क में रखेंगे, मन में रखेंगे कि नरसिंह भगवान की आरती का महत्व क्या है। माता जी के लिए तीन बार सब हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हमने अभी शब्दों से अपने वाणी से अपने भावों से भगवान की बहुत सारी स्तुति की और हमने प्रयत्न किया है। हमारा प्रयत्न बहुत प्रामाणिक है कि हम भगवान को संतुष्ट कर पाए, पर भगवान संतुष्ट होते हैं सिर्फ उनके भक्तों की अनंत भक्ति से। फिर अगर वो अंदर से आए और छोटी भी रहे तो बहुत हो गई, पर भगवान भी भगवान है। जब भक्त भक्ति करना चालू करते हैं, उनकी स्तुति करना चालू करते हैं, उनको भी वैरायटी चाहिए। जैसे भोग में 56 भोग लगते हैं वैसे स्तुति में भी वैरायटी चाहिए। तो अभी ऐसे ही कोई हम प्रयत्न करेंगे कि ये और एक कुछ नया वैरायटी लेके आएंगे और भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। जैसे हमने सबने सुना है भगवान नरसिम्हा को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। वे अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। नरसिम्हा का शाब्दिक अर्थ है आंशिक रूप से मनुष्य, आंशिक रूप से सिंह। इसलिए भगवान नरसिंह से सिंह और मनुष्य दोनों के गुण है। वे अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं और पापियों को नापसंद करते हैं। वास्तव में भगवान नरसिंह अतिवादी स्वभाव के हैं। उनका प्रेम एक आसीम सागर है जिसका कोई अंत नहीं, पर उनके क्रोध के साथ कोई खेल नहीं सकता। वे अपने व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए भगवान नरसिंह सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के से आपको पूर्ण सुरक्षा और देखभाल मिलती है। दुनिया की कोई भी विपत्ति आपके करीब नहीं आ सकती। आमतौर पर हम भगवान विष्णु को उनके शांत नीले रंग के रूप में देखते हैं, हालांकि यहाँ इस अवतार में हम उन्हें आसीन क्रोध प्रदर्शित करते हुए देखते हैं, जो अंत में अपने भक्तों के लिए उनके अपार प्रेम को ही दर्शाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी देखा हुआ है कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा करावलंब स्तोत्रम की रचना श्री आदि शंकराचार्य ने की। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा करावलंब स्तोत्रम
ने क्रोधित भगवान या उग्र नरसिंह को शांत करने के लिए भगवान लक्ष्मी नरसिंह की स्तुति की गई है। श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र, जिसे श्री लक्ष्मी नृसिंह करावलंब स्तोत्र के रूप में भी जाना जाता है, लक्ष्मी नरसिंह की स्तुति में 17 श्लोकों वाला यह स्तोत्र है। स्तोत्र का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक छंद के एक ही दोहे में लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंब के साथ समाप्त होता है, जिसका अर्थ है हे भगवान नरसिंह कृपया मुझे अपनी सहायता के लिए आग बढ़ाए। श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र जब घर में सुनाया जाता है तो व्यक्ति का गुस्सा कम हो जाता है और घर में शांति प्रस्थापित होती है। श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र एक महान प्रार्थना है। अब मैंने ये क्यों बताया, आप सोचते हो कि स्तोत्र का यहाँ पे विश्लेषण क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हमारे सामने दो बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने भगवान की शरण में भगवान को समर्पित, भगवान को संतुष्ट करने के लिए एक कला का माध्यम चुना है कि जिससे वो आपके सामने एक नृत्य प्रस्तुति करेंगे और वो नृत्य प्रस्तुति भगवान के शरणों में रहे और आपके आपके सामने सभी भक्तवृंद के सामने भगवान को समर्पित किया जाए। अब ये आप जानेंगे कौन है ये दोनों कलाकार कौन है। आप सब लोग जानते हैं, एक है हमारे संगीता माता जी और दूसरे हमारे गौरांगी माता जी। अब ये दोनों ने इस प्रस्तुति के लिए क्या नहीं किया, उनका अथक प्रयत्न, उनका उनके नृत्य के प्रति, उनकी कला के प्रति जो समर्पण है, उसके लिए हमें दो शब्द जानना और मुझे कहना बहुत जरूरी है। हम जानने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जाने कि हमारे अंदर आज कैसे कैसे भक्त हैं कि भगवान को प्रस्तुति, भगवान को समर्पित करने के लिए और उनको प्लीज करने के लिए क्या करते हैं। संगीता नायर माता जी, जिन्होंने कलकत्ता में कला मंडलम के कथकली के उस्ताद थंकमणि कुट्टी और गोविंदा कुट्टी से नृत्य सीखा है। उनके गुरु का नाम प्रीता वेंकट है, जो थंकमणि कुट्टी के प्रत्यक्ष शिष्या थी। उन्होंने 8 साल की उम्र में भरतनाट्यम की शुरुआत की और बोलकर जारी रखा। बाद में वह प्रसिद्ध नृत्यांगना सोलमी बोस की शिष्या बनी, जो पद्मभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी की इकलौती बेटी। उन्होंने एक साथ कई नृत्य नाटक किए, लेकिन अपनी शादी के कारण उन्हें भरतनाट्यम उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें भरतनाट्यम करते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने आज फिर से माता जी को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए, आपके अंदर की कला जगाइए और मेरे भक्त को और मुझे दोनों को नृत्य करिए। ऐसी कुछ कहानी हमारे गौरांगी माता जी की भी है। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम की शुरुआत की। जिस संस्थान से उन्हें नृत्य सीखा उसका नाम है संस्कृति अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसकी स्थापना श्रीमती आशा सुनील कुमार ने की। गौरांगी माता जी ने भरतनाट्यम की शिक्षा श्रीमती तृप्ति ठक्कर से ली, जो श्रीमती सरोजा श्रीनाथ और श्रीमती कनक रेले की शिष्या है। वह एक भारतीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद थी, जिन्होंने मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वह नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक निदेशक और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य थी। श्रीमती कीर्तना रवि, जिन्होंने अनुभवी उजावर गुरु भरत शिकारा, गुरु श्रीमती पद्मिनी रामचंद्रन नाट्यप्रिया बेंगलोर के निदेशक से 22 वर्षों से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया है। वह अब पिछले 2 वर्षों से गुरु श्रीमती रमा वैद्यनाथन के अधीन व्यापक प्रशिक्षण ले रही है। कीर्तना आपका ने सरकार द्वारा आयोजित भरतनाट्यम की वरिष्ठ परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 2005 में कर्नाटक सरकार द्वारा एमए की उपाधि दी गई। उन्हें दिल्ली दूरदर्शन केंद्र से ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। ऐसे महान गुरुओं से उनसे शिक्षा लेके आज दोनों माताजी हमारे सामने आई है, और ये उनकी महानता है कि उन्होंने उनका गुणगान नहीं उनके गुरु का गुणगान किया है। यही हमारे इस बार का फाउंडेशन है। गुरु के सिवा हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। मैं समय ना देते हुए माता जी को निमंत्रित करूंगा और भरत प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विजिट करें।
Thank you.
They are so great.
jewelry I am wearing is one of my friends bought the jewelry, and another friend arranged this costume within a span of hours. See, that's what I'm saying. I'm so blessed with having so holy companionships, and I did not do my arangetram. So today, in front of the God, in front of such holy people, my wish has been fulfilled. Thank you very much. Thank you so much. Hare Krishna. Dhanwad pranam to everyone. First of all, it was because of Krishna's mercy we were able to perform today. So I have a bit different story. So 8 years before, when I just started with my dance class, we all were told to attend our senior's arangetram, and I saw one of my seniors performing her arangetram, doing the same dance. And that day, I had decided, one day I want to perform the same dance. And I don't know, it was Narsingh Bhagwan's kripa. My dream is fulfilled. And secondly, I would like to thank Sangeeta Mataji. After my Ram Navami performance, the next day, I call her and I ask her, Mataji, will you perform with me? Without any hesitation, Mataji is like, I will do it. You just tell me what I have to do. So thank you so much, Mataji. And last but not least, but it was all because of your blessings, your best wishes, we were able to perform over here. Hare Krishna. Thank you so much. हमने सुना, मैंने सही कहा कि मेरी इतनी पात्रता ही नहीं, योग्यता ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकता। उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि मैं तो अभी उठने के लायक भी नहीं था, पर ठीक है, मुझे प्रभु जी ने ड्यूटी दिया है तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है। अब हम ये दोनों भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे उनके, क्योंकि उनके अंदर भगवान समाये तो हर कोई भक्त है, पर उनके प्रोफेशनल लाइफ में हर कोई अपना अपना कार्य करता रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर एक कोई और भक्त है जो कभी ऑल इंडिया रेडियो में उनकी प्रस्तुतियां दिया करते थे, लोगों के लिए, समाज के लिए, राजकारण के लिए, विश्व कारण के लिए, पर आज उनको यह बहुत फील हुआ है कि मैं भगवान के लिए क्यों नहीं बोल पाई। तो आज भगवान ने वो भी उनकी इच्छा पूरी कर दी है, और इसीलिए बोलते हैं भगवान इतने कृपालु हुए, अनंत कृपालु हुए, आपने सिर्फ इच्छा रखनी है और भगवान को समर्पित होना है, वो योगक्षेम बन के आ जाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अमृता माता जी, जो हमें बताएंगे कि हमारे इस्कॉन टेम्पल में हर रोज जो नरसिंह आरती होती है उसकी महिमा क्या है, उसकी पद्धति कहां से चालू हुई, श्रील प्रभुपाद ने वो क्यों शुरू की। तो ये हमें, मुझे भी नहीं पता था, पर उन्होंने जो विषय चुना है वो ऑल इंडिया रेडियो जैसा ही है। तो हम विनती करेंगे माता जी प्लीज आइए और हमें मार्गदर्शन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आकाशवाणी पुणे केंद्रावरती मी काम करायचे, त्यामुळे मराठीत बोलायला मला जास्त कम्फर्टेबल आहे, चालेल ना सगळ्यांना? आपण रांगोळी बघतो, रांगोळी ही ठिपक्यांपासून काढतात, जोर ते ठिपके एकसारखे येतील, एका ओळीत आडवे एका ओळीत उभे, तोवर ती रांगोळी व्यवस्थित येत नाही। आणि आजच्या या आपल्या कार्यक्रमाची सुंदर रांगोळीचे ठिपके काढायचं काम जे केलेलं आहे ते पुनीत प्रभूजींनी केलेलं आहे, सूत्रसंचालन, अँकरिंग, सगळे परफॉर्मन्सेस इतके सुंदर, एका माळेमध्ये ओवणं हे इतकं सुंदर पुनीत प्रभूजींनी केलेलं आहे। आपण त्यांना तीनदा हरिबोल म्हणून धन्यवाद देऊ। हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल। नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी आत्ताच झाली आणि उत्सुकता होती की इस्कॉन मध्ये कधी आपण गेलो, आरतीला आपण गेलो तरी आपण नरसिंह प्रेयर म्हणतोच, मग त्याच्या मागचं कारण काय असेल थोडं शोधायचा प्रयत्न केला, तर त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा इस्कॉनचं फाउंडेशन
सुरुवात ही अमेरिकेमध्ये झालेली आहे. लॉस एंजल्समध्ये एकदा प्रभुपाद होते आणि तिथल्या सेंटरमध्ये तिथल्या मंदिरामध्ये ते असताना त्यांची तब्येत बरी नव्हती आणि तेव्हा सॅन फ्रान्सिस्कोला एक रथयात्रा होती त्यामुळे बऱ्यापैकी डिव्होटीज हे सगळे तिथे गेलेले होते आणि ती त्याचा काही तिथल्या लोकांनी गैरफायदा घेतला आणि तिथे बॉम्ब ब्लास्ट केला. लॉस एंजल्समधल्या मंदिरामध्ये प्रभुपाद आणि अगदी काही मोजके डिव्होटीज त्यांच्याबरोबर होते आणि त्यावेळेस एक छोट्या प्रमाणावर तो बॉम्ब ब्लास्ट होता आणि तो झाला आणि त्यावेळेस सगळे जे डिव्होटीज परत आले आणि सगळेच खूप घाबरलेले होते की अशा या वातावरणामध्ये आपण काम कसं करायचं. त्यावेळेस प्रभुपादांनी सांगितलं की आता भगवंतांचा असा एक अवतार आहे, असं एक रूप आहे, त्याची इस्कॉनमध्ये त्याचं आगमन होणं, प्रवेश होणं हे फार गरजेचं आहे आणि तो अवतार म्हणजे कोण तर नरसिंह भगवान. कारण नरसिंह भगवान कारण ते म्हणाले की आता जसं इस्कॉन मोठं होतंय तशी लोकांमधली ईर्ष्या वाढतीये, जेलसी वाढतीये आणि याच्यातनं इस्कॉनला धोके निर्माण होणार आहेत. पण या सगळ्यापासून इस्कॉनला आणि प्रत्येक डिव्होटीला कोण वाचवू शकतं तर भगवान नरसिंहच वाचवू शकतात आणि तेव्हा अशा रीतीने इस्कॉनमध्ये भगवान नरसिंहांचं प्रेयरचं रोजच्या आरतीच्या वेळी त्यांच्या अर्चनेची सुरुवात झाली. विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय. अभय चरणारविंद भक्ती वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान नरसिंहांचा जो महिमा आहे हा आपण माहिती, आपल्याला सत्ययुगामध्ये त्यांचं अवतरण झालं पण मग आत्ताच्या काळात काही लीला आहेत का नाही तर आत्ताच्या काळात म्हणजे गेल्या 20 वर्षापूर्वीची एक लीला मला आपल्या बरोबर शेअर करायला आवडेल. ती म्हणजे साऊथ आफ्रिकेमधली आहे. भारतातले एक डिव्होटी होते, ते शिफ्ट झाले साऊथ आफ्रिकेमध्ये. दोघं नवरा बायको, त्यांची लहान 4-5 वर्षाची मुलगी असं राहायचे साऊथ आफ्रिकेमध्ये ज्या अपार्टमेंटमध्ये ते राहायचे तर तिथे खाली खेळायला जागा होती. ती मुलगी खेळत होती, बॉल काय तिचा खेळत होती आणि तिचे वडील वरनं बघत होते ती खाली कशी खेळतीय. तिचा बॉल खेळता खेळता रस्त्यावरती गेला, रस्त्यावरती गेला आणि त्यांनी पाहिलं तिकडून एक खूप मोठा ट्रक येतोय आणि ते तिला हाका मारतात पण ती पळण्याच्या खेळण्याच्या नादात होती. तिचं काही लक्ष नव्हतं वडिलांच्या हाकेकडे. ती गेली आणि जाईपर्यंत त्या ट्रकनी त्या मुलीला उडवलेलं होतं. त्या मुलीचं एक वैशिष्ट्य होतं, तिने फार काही वय 4-5 वर्ष काय ती बालबुद्धी असणार पण ती जेव्हा आई बाबांबरोबर मंदिरामध्ये जायची तेव्हा नरसिंह भगवंतांबद्दल ऐकलेलं होतं. त्यांचा फोटो त्यांच्या घरात होता, तो ती रोज बघायची, तिच्या मैत्रिणींनाही दाखवायची आणि ती हे म्हणायची की हे लायन गॉड आहेत असं ती तिच्या मैत्रिणींना फोटो घेऊन दाखवायची आणि तेवढीच तिला काय माहिती असेल ते, पण त्यांच्याबद्दल तिला अतूट खूप प्रेम वाटायचं. जेव्हा तिचा ऍक्सिडेंट झाला, वडील खाली गेले, त्यांनी पाहिलं ती मुलगी 20 मीटर उडून लांब पडलेली होती. जेव्हा ते गेले तेव्हा एवढ्याही रक्त येत नव्हतं, काहीच नाही. त्यांनी तिला घेतलं मात्र ती अनकॉन्शियस झालेली होती. त्यांनी उचललं, हॉस्पिटलमध्ये नेलं. हॉस्पिटलमध्ये ती अनकॉन्शियस असल्यामुळे डायरेक्टली तिला आयसीयूमध्ये घेतलं. तिथले जे डॉक्टर इन्चार्ज होते ते आले, त्यांनी सांगितलं तिथल्या नर्सेसला की इमिजिएटली हिचे एक्सरे काढून घ्या. एक्सरे काढले, काही मिनिटांमध्येच ते एक्सरेचे रिपोर्ट्स आले. ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी होती आणि रिपोर्ट्समध्ये डॉक्टरांनी विचारलं, नाही हे रिपोर्ट्स नको आहे, ज्या मुलीचा ऍक्सिडेंट झाला आहे जिला आता आणलंय तिचे रिपोर्ट्स हवे. त्या नर्सने सांगितलं की हे त्याच मुलीचे रिपोर्ट्स आहेत. नर्स डॉक्टर म्हणाले की नाही हे तिचे रिपोर्ट्स असणं शक्यच नाही. मग तिच्या आई वडिलांना बोलवलं की तुम्ही काय सांगितलं, तुम्ही रिपोर्ट जे फॉर्म भरलाय त्याच्यात काय लिहिलंय की ऍक्सिडेंट झालाय, एका ट्रकनी तिला उडवलेलं आहे, तर याच्यामध्ये तर असं काही दिसत नाहीये, याच्यामध्ये तुम्ही काही लपवताय का आमच्यापासून, याच्यामध्ये असं दिसतंय की एका प्राण्याने तिच्यावर हल्ला केलाय, या एक्सरेमध्ये ते असं दिसतंय. मग आपल्याला काहीच सांगता येत नाही जेव्हा ती मुलगी शुद्धीवर येत नाही. थोडा वेळ थांबले, थोड्याच वेळामध्ये ती शुद्धीवर आली. सगळे तिच्या आजूबाजूला थांबलेले होते आणि तेव्हा तिच्या आईने विचारलं, बाळा तू बरी आहेस ना? ती म्हणली, हो आई मी बरी आहे. मग काय झालं होतं? अगं आई मज्जाच झाली, तिने अशी सुरुवात केली. काय झालं ना, मी पडले आणि ट्रक आला आणि काय झालं मी उठले आणि तेव्हा ते लायन गॉड आहेत ना त्यांच्या मांडीमध्ये मी बसलेले होते. मग हे कसं काय? तर अगं आई काय झालं ना, त्यांचे एवढे सिल्की केस होते,
मऊ आणि चॉकलेटी कलरचे खूप छान होते आणि पण त्याची नखात ना ती खूप वाढलेली होती. मी त्यांना विचारलं पण तुम्ही कापत नाही का, तुमच्या टीचर तुम्हाला ओरडत नाहीत का, मग ते हसले आणि मग ते गेले. पण मग मी इथे कशी काय, मग सगळ्यांना उलगडा झाला. मग उलगडा असा झाला की हे दुसरं तिसरं कोणी नव्हतं, प्राणी कोणी नव्हतं, तर हे स्वतः भगवान नरसिंह तिच्या बचावासाठी तिथे आलेले होते. आपल्याला माहितीये की भगवंतांना हात मारल्यानंतर भगवंत येतात, पण भगवंता जर का भक्ताचा भाव शुद्ध असेल तर तो भाव ओळखूनही इथे भगवंत येतात असे अत्यंत भक्तवत्सल, दिसायला जरी उग्र रूप असेल तरी अत्यंत भक्तवत्सल असे आहेत भगवान नरसिंह. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद माताजी, खूप चांगली लीला आपण सांगितली, त्याच्यामुळे आम्हाला पण भक्तीमध्ये आणखी जास्त रस येईल. माताजींना आपण आभार व्यक्त करूया. तीन वेळा हरी बोल बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. आता एक अशी स्क्रिप्ट आहे की ती अननोन आहे. अननोन म्हणजे विषय काय आहे तो माहिती नाही, सिक्रेट. आणि म्हणून मी विनंती करेन जयश्री माताजींना, त्यांनी यावं आणि आपली सिक्रेट इथे ओपन करावी. देवाबद्दलची जी त्यांची आतुरता आहे किंवा त्यांचे जे भाव आहेत ते इथे आम्हा सगळ्यांना प्रगट करावे. माताजींची एक विशेष असं एक आहे, एक विशेषता आहे की माताजींचं वय झालं आहे पण भक्तीतलं जे वय आहे ते अजून खूप तरुणपणाचं आहे. तर माताजींना जी भगवान देवाने जी कृपा केली आहे अशा भक्तीची किंवा प्रामाणिकपणाची किंवा ती आम्हा सगळ्यांना भगवंत देव आणि तुम्हाला खूप चांगलं आयुष्य देव आणि स्वास्थ्य देव. नरसिंह देव के बारे में बताया है, लेकिन भगवान की जो लीला है जो कितने भी बार हम लोग दोहराएंगे तो भी अपने को आनंद ही मिलता है. तो अभी अभी छोटे प्रभु जी ने जो बताया वही मैं बताने जा रही हूँ. मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं कल रात को बैठ के मेरे दिमाग में जो है मैं लिखा है कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. हरे कृष्णा, प्रभुपाद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णव और वैष्णवी को मेरा दंडवत प्रणाम. हम आज भगवान नरसिंह देव का प्रकट दिन मनाने जा रहे हैं. भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते, उनकी रक्षा करते. प्रकट होते हैं वैसे भगवान कृष्ण के बहुत अवतार है, उनमें से मुख्य 10 अवतार है. हम जानते हैं भीम, कूर्म, वराह और नरसिंह, यह अवतार थोड़े ही समय के लिए होते हैं. भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त होने के पश्चात खुद को अमर पर समझने लगे. मुझे कोई भी मार नहीं सकता, इस अहंकार में वो खुद को भगवान मानने लगे और भगवान विष्णु का नाम कोई भी लेता तो वो सहन नहीं कर पाते. मगर उनके सबसे छोटे पुत्र विष्णु अर्थात कृष्ण भक्त था. माँ के गर्भ से ही वो नारद मुनि की कृपा से विष्णु भक्त बन गए. वो कैसे बने ये बहुत बड़ी बात है. यो कहानी मैं नहीं बताना चाहती. अपना बेटा प्रहलाद नारायण का नाम लेता है इसलिए इस पर हिरण्यकश्यप ने कितनी बार उसे मारने की कोशिश की. अपनी बहन होलिका के साथ उन्हें जीवित जलाने की कोशिश भी की, मगर क्या हुआ, होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था मगर वह बच नहीं पाई और भगवान के कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए. भगवान ने अपने भक्तों को बचाया. आखिर हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुए और बोले, बार बार नारायण का नाम जपता है, कहाँ है तेरा भगवान. प्रहलाद महाराज बोले, पिताश्री. हिरण्यकश्यप भी और ही क्रोधित हुआ और बोले, इस खंभे में है भगवान. प्रहलाद भक्त बोले, हाँ पिताजी, हम भगवान खंभे में भी है. क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप को अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया और क्या हुआ, अपने भक्तों को बचाने के लिए नरसिंह देव उस खंभे से प्रकट हुए.
अपने भक्तों के लिए वचन पूर्ति के लिए नरसिंह प्रकट। जय श्री नरसिंह, जय श्री नरसिंह। नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप का जोरदार युद्ध हुआ, साथ में हिरण्यकश्यप के बेटे भी आए थे, परंतु नरसिंह भगवान ने सबको मार डाला। जैसे ही संध्या समय आया, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने गोद में ले लिया। वह दरवाजे के चौखट पे बैठ गए। तब हिरण्यकश्यप बोले, तुम मुझे नहीं मार सकते, ना मैं दिन में मारा जाता, न मैं दिन में मरता, न मैं रात में मरता। भगवान बोले, अरे मूर्ख, ना दिन है ना रात है। भगवान बोले, हिरण्यकश्यप बोले, ना मैं घर में मर सकता, ना मैं घर के बाहर। भगवान बोले, ना तो तू घर में है, ना तो मैं बाहर हूँ। मैं ना तो धरती पे है, ना तो तू आकाश में है, तू तो मेरे गोद में है। ना तो मैं मनुष्य हूँ, ना तो मैं जानवर हूँ, तू मेरे गोद में है। और ना मेरे हाथ से मैं शस्त्र है और अस्त्र। और ऐसा कहते हिरण्यकश्यप ने खुद का पेट फाट डाला। भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे इतने क्रोधित हुए कि उनका वह उग्र रूप देखकर सभी देवतागण भयभीत हुए। भाग्य लक्ष्मी भी उनके उन्हें शांत करने सामने नहीं आए। तब भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की, जो भागवत में सातवें कंद में है। उनकी स्तुति से नरसिंह देव शांत हो गए और उन्होंने प्रहलाद से वर मांगने को कहा। तब भक्त प्रहलाद बोले, मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा करें और विमुक्ति प्रदान करें। भगवान बोले, जैसे ही मैंने उसे गोदी में उठाया, उनके सब पाप नष्ट हुए और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी। यात्रा में गए थे, यानी मेरे बारे में जो घटना घटी वो गलती हो। क्या हुआ कि सब दर्शन कर किया तो भगवान नरसिंह का भी दर्शन करने का था, लेकिन मुझे क्या हुआ, पहले से ही ऐसा लगा कि मैंने वो दर्शन किया। पूरा ऐसा परिक्रमा करने के बाद मैं बोलिया कि दरवाजा तो क्यों बंद है, मैंने तो उनका दर्शन किया। लोग बोले, नहीं नहीं अभी तक तो खुला ही नहीं है। और जब वो दरवाजा खुला तो जो मैंने देखा था उनको, जो मेरे को भगवान ने दर्शन दिया, वही साक्षात विग्रह मेरे सामने थे। हरे कृष्णा, माता जी को हरि बोल बोल के उनका धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब हम जिसके लिए यहाँ पे रुके हैं, ऐसी नेक्टर का वर्षा अभी होने जाने वाला है। हम विनती करेंगे इस ग्रेस श्रीनिवास आचार्य प्रभु को, वो आए और हम सबको और आज इस शनिवार फिर से नेक्टर का पान कराएं।